लक्ष्य अगर पक्का हो बंदे तो मंजिल तुझसे दूर नहीं, वो भी तुझसे दूर नहीं, तू भी उससे दूर नहीं। नमस्कार, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश चंद्र मिश्रा। मैं आज आपको आपके लक्ष्य जो कि आईएएस और पीएसएस बनना है उसके बारे में एक कुशल रणनीति बताऊंगा, क्योंकि कहा जाता है कि बिना कुशल रणनीति के कोई भी बड़ा युद्ध जीता नहीं जा सकता है। अब इतिहास इस बात का साक्षी है, मराठे अगर कुशल रणनीति बनाए होते तो शायद आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। 1761 का पानीपत का युद्ध इसका गवाह है। आज इस चैनल के द्वारा मैं आज आपको एक सामान्य अध्ययन के बारे में विस्तार से बताऊंगा, और वो सामान्य अध्ययन मेनली मैं एनसीईआरटी से ही कवर करूंगा, और जो एनसीईआरटी में जो जो पार्ट हैं उसका एक एक पार्ट की एनालिसिस करके डिटेल मैं अपने इस लेक्चर में बताऊंगा। इसके बाद वाले जो लेक्चर हमारे होंगे वो पर्टिकुलर वो एनसीईआरटी बुक्स पर ही आधारित होंगे, लेकिन चूंकि आज का एक इंट्रो लेक्चर है, इस इंट्रो लेक्चर में मैं आपको कैसे कैसे क्या क्या कब कब करना है उसके बारे में मैं डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। हमारा यहां पर जो भी लेक्चर होगा वो मेनली कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, और कॉन्सेप्ट आपको इतना मेंस में भी मत करिएगा और पीटी में भी मत करिएगा, जो कि आईएएस और यूपी पीसीएस में आप देखते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। पीटी यूपी पीसीएस में तो मेनली फैक्चुअल आता है, लेकिन वर्ष 2018 से 2019 से अब वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड की तरफ बढ़ चला है, लेकिन आईएएस तो हमेशा से कॉन्सेप्ट बेस्ड रहा है। और आप मान के चले अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ना तो आपको मेंस में दिक्कत आनी है ना तो पीटी में दिक्कत आनी है, ये तय मानी। और ये कॉन्सेप्ट आप जब तक आपका बेस एकदम मजबूत होगा नहीं तब तक आप ये कॉन्सेप्ट आप अचीव नहीं कर सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट आपको अचीव करने के लिए सबसे नीचे जाना होगा, यानी क्लासिक्स एनसीईआरटी से जाना होगा। ऐसा आप कभी भी ना समझिए कि आप डायरेक्ट सीधे बड़े बुक पे चले जाएंगे, आपका बिल्कुल सब कुछ पहले आपने हिस्ट्री पहले पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में, या ज्योग्राफी पढ़ा हुआ ग्रेजुएशन में, या पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है तो आपका सब कुछ तैयार है, बिल्कुल नहीं। जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं तो जीरो से शुरू करते हैं, हम उसको जीरो से ही शुरू करेंगे, हम उसको एक ये सिविल सर्विसेज कंपटीशन को मैं जीरो से ही मान लूंगा, और कोई भी विद्यार्थी जो मध्यम स्तर का है औसत स्तर का है, नहीं टापर है भाई हम 90% हम इंटर में या हाई स्कूल में नंबर नहीं ला पाए तो आप हम आईएएस नहीं बन सकते, ये बिल्कुल आप दिमाग से भ्रम निकाल दें। अगर आपकी योजना सही है, रणनीति सही है और आपने परिश्रम भरपूर किया है तो निसंदेह आपको सफलता मिलनी ही मिलनी, कोई रोक नहीं सकता है। अब एनसीईआरटी पे हम आते हैं। एनसीईआरटी में क्लास 6 to 10 सबसे पहले हमारा जो योजनाबद्ध तरीका है वो 6 to 10 क्लास को हम कवर करेंगे, और इस 6 to 10 एनसीईआरटी में कौन कौन से पार्ट है मैं ये आपको डिटेल बता दे रहा हूं। नंबर एक इसमें है आपका जीएस के कौन से पार्ट आईएएस में कवर हो, जीएस और यूपीपीएस में कौन से पार्ट कवर है। नंबर एक इसमें कवर हो रहा है हिस्ट्री कवर होगा, नंबर दो क्या कवर हो रहा है, नंबर दो ज्योग्राफी कवर होगा, ज्योग्राफी कवर होगा। नंबर तीन पॉलिटी कवर होगा, नंबर चार इकोनॉमिक्स कवर होगा। ये चार पार्ट 6 to 10 एनसीईआरटी में कवर हो रहे हैं। अब ये चारों पार्ट जीएस के पिलर माने जाते हैं, ये मान के चलिए। अब इसी में अगर एक पार्ट, हालांकि ये एनसीईआरटी से नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, इसी में एक पार्ट है आपका करेंट अफेयर, करेंट अफेयर वो अलग से पार्ट है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, वो मैं आपको प्रत्येक सप्ताह में लास्ट वीकेंड में एक लेक्चर डिलीवर करूंगा, और जो समसामयिक सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो मैं यहां पे आपको बता दिया करूंगा। अब ये जो चारों पार्ट हैं, इस एक पार्ट और भी एनसीईआरटी में है साइंस टेक, लेकिन साइंस टेक के कुछ ही चैप्टर आपको पढ़ने बहुत डिटेल नहीं आना, क्योंकि जो साइंस टेक उसमें पूछा जा रहा है आईएएस या पीसीएस में वो बिल्कुल करंट से अपडेट होके पूछा जा रहा है। और आप ये भी कभी भ्रम में ना रहें, करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है, ये मान के चलिए।
क्योंकि करंट अफेयर अगर आपका मजबूत हो तो कहीं हिस्ट्री को तो भाई चेंज कर नहीं सकते। हाँ, हिस्ट्री में जो नए नए इन्वेंट हो रहे हैं, वो जैसे अभी हड़प्पा साइट्स का एक सनौली में, यूपी के सनौली में एक इन्वेंट हुआ, तो उसमें तारीख कब कब से हड़प्पा की तिथि मानी जाए तो कुछ और बैक जा रही है, तो वो हम ये करंट है, हम कोई भी प्रश्न लिखेंगे तो वो उसमें उल्लेख जरूर कर दिया करेंगे। तो करंट अफेयर का आप मान के चलिए कहीं ना कहीं हर जगह रोल रहता है। लेकिन पहले हम पिलर पे आते हैं, यही आपका जीएस का पिलर है, और इसी पिलर को शुरू करने के लिए मैंने एनसीईआरटी बुक टेकल किया है, और ये एनसीईआरटी बुक हम इसको जीरो अगर मानते हैं तो 100 पे आप चले जाएंगे तो बड़े बड़े आथर की बुक मिलेगी। लेकिन यहां से आप लगभग 50% या 60% तक आईएएस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। ये आप कभी भी मत सोचिएगा कि ये छोटी छोटी बुक है, कक्षा 6 की है, 7 की है, 8 की है, इसमें बहुत ज्यादा लिखा नहीं हुआ, बहुत ही ज्यादा लिखा हुआ है इसमें। इसकी एक एक लाइन गागर में सागर भरने के समान है। अभी एक आईएएस मेंस में क्वेश्चन ज्योग्राफी का आया, तो मैं देख रहा था उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन में एज इट इज वही क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, और बाकी सब लोग बड़े बड़े आसफ की किताब में खोज डाले, नहीं मिला, वो उसमें मिला। तो वो, और यूपीएससी भी फॉलो करता है, ऐसा नहीं यूपीएससी नहीं फॉलो, यूपीपीएससी भी फॉलो करता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये भी फॉलो करता है, क्योंकि यही एक ऐसा बेस है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये लाया गया है, यह हमारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करता, चुस्त और दुरुस्त करता है। अब मैं जो हिस्ट्री है क्लास सिक्स की पहले हम एनसीईआरटी की हिस्ट्री शुरू करेंगे, क्लास सिक्स में क्या है, क्लास सिक्स में है हमारा अतीत पार्ट फर्स्ट। हमारी राइटिंग भाई बहुत गड़बड़ है, इस राइटिंग पे मत जाइएगा, और यूपीएससी राइटिंग पर नंबर नहीं दिया करती, ये भी आप जान लीजिएगा, राइटिंग आपकी पठनी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपके कपड़े सुंदर रहते हैं तो निसंदेह आकर्षण का बिंदु हुआ करते हैं। हमारी राइटिंग गड़बड़, कोई जरूरी नहीं आपकी राइटिंग गड़बड़, आप उसको निरंतर सुधारने का प्रयत्न कीजिए, लेकिन एक बार जब राइटिंग बन जाती है शुरुआती दौर में, तो शायद वो इम्प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप निरंतर प्रयत्न करते रहिए, हो सकता है आपकी भी राइटिंग अच्छी हो जाए। हमारा अतीत पार्ट फर्स्ट, ये क्लास सिक्स में है। क्लास सेवंथ में क्या है भाई? क्लास सेवंथ में यही हमारा अतीत पार्ट सेकंड है। क्लास एट में क्या है? यही हमारा अतीत पार्ट थर्ड है। क्लास नाइन्थ में क्या है? भारत और विश्व, समकालीन विश्व, भारत और समकालीन विश्व पार्ट फर्स्ट। टेंथ में क्या है? भारत और समकालीन विश्व पार्ट सेकंड। एक बात मैं आपको और खास बता दूं, जब भी हम पूरा ये एनसीईआरटी कवर, ये हमारा क्लास सिक्स का है, क्लास सिक्स से ही हम पूरा, कल से मैं क्लास सिक्स से ही शुरू करूंगा, और पहला चैप्टर में पहला टॉपिक ये रहेगा हमारा अतीत पार्ट फर्स्ट, और इसका जो हमारा अतीत पार्ट फर्स्ट है, इसका फर्स्ट चैप्टर मैं कल कवर करूंगा। बात मैं आपको और बता दूं कि ये जितना भी आईएएस और यूपीपीसीएस का सिलेबस है, पीटी और मेंस का, वो सब मुझे याद है। एनसीईआरटी में जितना कुछ बताया गया सिलेबस, जितना कुछ है एनसीईआरटी जो बुक्स में लिखी हुई, जितने पार्ट आपके इफिशियंट या जितने पार्ट आपके आईएएस और यूपीपीसीएस में मिलते हैं, वो सारे पार्ट मैं कवर करूंगा। जो पार्ट उस सिलेबस में नहीं है, उसको एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि इस कंपटीशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्या पढ़ना, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है क्या छोड़ना है। जीएस एक बहुत बड़ा था सागर है, आप इसको एक मिनिमाइज कर सकते हैं तो एक जगह कर लीजिए, नोट्स के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, या अपने जो भी ग्रुप डिस्कशन उसके द्वारा, या लेक्चर जो हम दे रहे हैं इसके द्वारा,
आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं हम पूरा का पूरा इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आने का प्रयत्न कर रहा हूं कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके ब्रेन में बिल्कुल फीड अप हो जाए कि जीएस ये उसकी ये है, उसके बाद में आपको जहां से भी कोई कुछ जानकारी मिले। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति 100% कंप्लीट है, पूरी दुनिया में कोई भी 100% कंप्लीट नहीं हो सकता है, कोई भी टीचर 100% कंप्लीट नहीं, कोई स्टूडेंट 100% कंप्लीट नहीं है, कोई भी लीडर 100% कंप्लीट नहीं, हर जगह कुछ न कुछ त्रुटियां जरूर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जितना कुछ हो सकता है जीएस का एक कॉन्साइज फॉर्म में, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जिससे आप समझ सकें, आगे पढ़ सकें, और उसके अतिरिक्त जो भी आपको मिलता है कहीं से भी जीएस से संबंधित आप डिस्कशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी रणनीति है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो निसंदेह ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, कंपटीशन बीट करने के योग्य हो जाएंगे। धन्यवाद।